हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली अभी सुबह हो चुकी है, मतलब दोपहर हो चुकी है, 12 बज चुके हैं और मैं अभी रूम पे हूँ। आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ मस्त एसी चल रहा है और मैं एसी में दोस्तों अभी आराम कर रहा हूँ थोड़ा। उसके बाद अभी मैं जाऊँगा फ्रेश व्रेश होने के लिए। तो फ्रेश व्रेश होऊंगा, उसके बाद फिर देखता हूँ, पढ़ने के लिए जाऊंगा, उसके बाद जो करना होगा करूंगा। देखते हैं, अभी आज आईपीएल मैच भी है जीटी और सीएसके के बीच में। देखते हैं आज कौन जीतता है, कौन फाइनल में पहुंचता है पहले, उसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन वो तो रात में 7:30 बजे से, अभी बहुत टाइम है उसमें। तो जल्दी से मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद जल्दी से पढ़ाई कर लूँगा, तब ना मैं मैच देख पाऊँगा 7:30 बजे से। तो अभी फ़िलहाल जल्दी से जाता हूँ और फ्रेश होके तब आप लोग से मिलता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मौसम भी घिरा हुआ लगता है, बारिश आ रहा है। और ये लोग को एगो यहाँ एगो वहाँ, ये देख रहे हैं हाफी ले रहा लगता है, नींद आ रहा है, लेकिन आएगा हमको मारने के लिए। देखिए आगे बढ़ रहा है अपना पॉइंट पर, टारगेट पॉइंट पर। देखिए अटैक, यही अटैक करता है हमेशा। अब वो शांत है, आराम से बैठा हुआ रहता है, अरे खाली मारने में लगा रहता है। तो दोस्तों, फाइनली अभी मैं छत पे हूँ और बहुत ही तेज़ हवा चल रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं, पूरा मौसम घेर लिया, पूरा अंधेरा हो गया है और बहुत ज़ोर का तूफान आ रहा है दोस्तों, बहुत तेज़ हवा चल रहा है यहाँ पर। आपको मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ अगर बाहर का सीन क्या हुआ है अभी तक। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये झंडा पहले वहाँ हुआ करता था ऊपर में, अभी गिर चुका है। और हवा का आप रफ्तार देख सकते हैं पूरा, यहाँ झंडा आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक लहर रहा है। और यहाँ घास वास भी देख सकते हैं, पूरा मौसम घेर लिया, आप लोग देख सकते हैं बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। आप लोग देख सकते हैं पूरा एकदम बादल घिरा हुआ है। तो दोस्तों अभी ऐसा सीन है कि पूरा मौसम घिरा हुआ है, पूरा अंधेरा हो गया, आप लोग देख ही रहे हैं ब्लॉक में, पूरा भयंकर अंधेरा छा चुका है। और मैं अभी तक नहीं नहा पाया हूँ क्योंकि घर पर भी काम हो रहा है, तो इस कारण से मैं नहीं नहा पाया हूँ अभी तक। लेकिन अभी बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, आप लोग को ब्लॉग में दिखाऊंगा कि तूफान आ रहा है, बहुत तेज से आ रहा है, बहुत हवा चल रहा है, बहुत ही रफ्तार है हवा का छत पे। तो अभी मैं जाता हूँ नीचे और आपको नीचे का काम दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है नीचे। तो दोस्तों फाइनली आप लोग देख सकते हैं बारिश आ चुकी है, पूरा खतरनाक बारिश हो रहा है, पूरा बिजली भी चमक रहा है, बारिश भी हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं बालकोनी पे हूँ और बारिश छूट चुका है, लेकिन लाइट नहीं आया, और लाइट नहीं आया इस कारण से घर पे जो काम हो रहा था टाइल्स का वो रुका हुआ है। लाइट आएगा तब ना टाइल्स कटिंग होगा, तब फिटिंग होगा, तो इस कारण से रुका हुआ है। और अभी बारिश छूट चुकी है, आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा से। तो देख सकते हैं मौसम भी थोड़ा साफ़ हो चुका है, पहले अंधेरा था और बारिश भी पूरा छूट गया है। और आप दोस्तों इंतज़ार है बारिश लाइट आने का, लाइट आएगा तो फिर जा कर के काम शुरू हो जाएगा घर पर। तो दोस्तों अभी फाइनली फिर से बारिश शुरू हो गया, आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं कितना जोर का आवाज़ हो रहा है। फिर से अंधेरा और बारिश स्टार्ट हो गया, छूट गया था, फिर से हो गया, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं बारिश कितना जोर का बारिश आया है, पूरा एकदम हालत ख़राब है बारिश का, देख सकते हैं मौसम भी देख सकते हैं, आवाज़ भी आप लोग सुन सकते हैं, वहाँ पर बिजली भी चमक रही है। तो दोस्तों ऐसा है अभी कि रात हो चुकी है और आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ दोस्तों, क्या बोले ही, खाली बारिश बारिश बारिश। और काम जो हो रहा था उस कारण से रुका हुआ था क्योंकि लाइट नहीं थी, तो बहुत देर तक काम भी रुका रहा, बार बार रुकता रहा, बहुत बारिश हुआ आज। और दोस्तों अभी रात हो गई है और अभी मुझे भूख लग गया है, तो मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। तो जाते हैं और देखते हैं अभी क्या है खाने में। तो दोस्तों आ गया मेरा खाना, आप लोग देख सकते हैं 2 चपाती, अंडा का भुजिया और आलू का भुजिया है, तो जल्दी से खाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने खाना खा लिया, आप लोग ने देखा ही और आपको पता ही है कि आज सीएसके और गुजरात टाइटंस का मैच है, जो जीतेगा वो फाइनल में डायरेक्ट पहुंच जाएगा और जो हारेगा तो वो एलिमिनेटर के लिए इंतज़ार करेगा मैच के लिए। तो जाते हैं और देखते हैं अभी क्या हाल है मैच का। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सीएसके 173 बनाया है और अभी गिल और साहा बैटिंग कर रहा है और जीटी अभी 17 रन पे था शायद, और 173 जीत के लिए चाहिए। आप देखते हैं आज सीएसके जीतता है कि गुजरात टाइटंस जीतता है।
तो दोस्तों फाइनली सीएसके मैच जीत चुका है और फाइनल में जगह बना चुका है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी गप उप चल रहा है पूरा सीएसके का टीम लोग का। ब्रावो है, डीजे ब्रावो है, पथी राणा है और यहाँ देख सकते हैं धोनी है, एमएस धोनी जो अभी भाषण दे रहा है। तो दोस्तों ऐसा है कि फाइनल सीएसके पहुंच चुका है फाइनली, और अभी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज ऐसा हुआ कि दिन भर खाली बारिशें हुई, दिन भर घर ही पे रहा, आज बाहर वहाँ तो नहीं निकल पाया और काम भी जो हो रहा था वो भी आज पूरा काम नहीं हो पाया, कल होगा वो काम। तो मैं आपको कल ब्लॉग में दिखाऊंगा कि कल क्या काम हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली सीएसके तो फाइनल में पहुंच चुका है और कल मुंबई और लखनऊ का है, देखते हैं कौन कल जीतता है मैच और गुजरात के साथ मैच खेलता है और फिर फाइनल में पहुँचता है, और देखते हैं फाइनल भी कौन जीतता है इस बार का आई पी एल का। इस बार तो दोस्तों सुनने में आ रहा है कि धोनी लास्ट आई पी एल खेल रहा है, लेकिन पता नहीं, अभी तक वो कन्फर्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।